हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हाय मनु। हाय। अच्छे से बोलिए। हाय। हम लोग कहाँ जा रहे हैं मनु? जा रहे हैं इको पार्क। जाइशु को घुमाने। ए देखो, हाय कर दो सबको बेटा। हम लोग कहाँ जा रहे हैं जाइशु? इको पार्क। बता सबको बेटा। इको पार्क। इको पार्क। इको पार्क। इको। तो बाबू को हम लोग घुमाने आज जा रहे हैं। हम लोग का डे आउट है आज बाबू के साथ, फिर से इको पार्क जा रहे हैं। यहाँ बहुत अच्छा है सुनने में आया। मोनू एक बार गया है। हम लोग रेडी हो चुके हैं, बस अब हम लोग निकल रहे हैं साइशु, है ना? क्या करोगी पार्क में जाके? खेलोगी। किस चीज से? मम्मी नहीं गिफ्ट? मम्मी नहीं है तो वही बस निकल रहे हैं गाइस, और आपको दिखाते हैं जैसा होगा। हम लोग अभी मतलब यहाँ ठंड वैसा नहीं है, बट सुबह शाम थोड़ा है और आज हल्का सा है, बट इतना भी नहीं कि जैकेट का जरूरत पड़े। तो यही चल रहा है गाइस। हाँ, सिग्नल में हम लोग खड़े हैं, अभी इधर ही से निकलेंगे। स्ट्रेट ही जाएगा ना, और तो राइट इधर तो दूसरे तरफ चला जाएगा, स्ट्रेट होके जाना पड़ेगा पार्क सर्कस। नाश्ता वगैरह हो गया हम लोग का, और अभी बज रहे 3। अभी कुछ खाया नहीं है लंच, बस अब निकलेंगे। राइशु की लंच करके निकली है, खिचड़ी खाई है। राइशु न्यू ड्रेस पहनी है। बेबी क्या खाई? ठंड है यहाँ हल्का थोड़ा, वैसे नहीं तो इसे इनर पहनाना पड़ेगा। ड्रेस क्या खाई बेबी, बता दो क्या खाई? क्या खाई तुम अभी? नूडल्स बोल रही है। कुछ भी खिचड़ी ना खाई बेटा, नूडल्स खाएगी इसकी बस बदमाशियां है। तो चलिए गाइस, हम लोग जा रहे हैं, आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। तो और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, है ना? बोले सब्सक्राइब कर दीजिए। और बाबू यहाँ पे सो गई है गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं ये कार में हमेशा सो जाती है। बेटा ये नींद से उठी है। नींद से उठ गई है जाइशु और पार्क की तरफ जा रही है। जाइशु पार्क आ गया बेटा। जाइशु क्या क्या देख रही है पार्क में? हाय कर दो। हेलो। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं पार्क, अब अंदर जाएंगे। ये बहुत बड़ा है सुनने में आता है पार्क, तो देखते हैं क्या है कैसा है। और जाइशु सो चुकी थी। जाइशु तुम सो गई थी ना बेटा? हाँ? कार में ये सो जाती है जब भी जाती है, ट्रैवलिंग के टाइम सो जाती है। हाँ, इसका आदत है। मजा आता है भाई। जैसे पार्क बेटा, जैसे पार्क में कार में सोने में मजा आता है ना। किधर से एंट्री है? यहाँ पे मिल रहा है अंदर बहुत कुछ है ना। हाँ, बॉल वगैरह भी सब मिलेगा बेटा, हैट सब। अच्छा अच्छा बच्चों लोग के लिए अट्रैक्टिव चीजें हैं। पानी भी बिक रहा है यहाँ पे। भेलपुरी भी है, तियारा वगैरह। रेशु के पास ये वाला है। क्या बेटा? सो गाइस, यही टिकट यहाँ पे लेना है हमें, और अब हम अंदर जाएंगे। तो गाइस हम टिकट यहाँ लेते और अंदर जाते, आपसे मिलते हैं। मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ इको पार्क। अंदर क्या क्या है? नहीं पे हो बेटा, टिकट हम लोग ने ले लिया, हम लोग अंदर जा रहे हैं। नीचे देख के चलो। नीचे? हाँ, नीचे देखो बेटा। आप कब आए थे लास्ट मोनू यहाँ? 2018 शायद। एक ही बार आए आप? हाँ।
तब हम लोग अंदर जाते हैं। बच्चा उठा लेना। चलो वाओ कितना अच्छा है बेटा, इतना ब्यूटीफुल लग रहा नहीं ऐसे वॉक करके चलते हैं बेटा, पार्क में अच्छा लगता है ना पार्क में। पापा बोलिए सब घूमोगे घूमोगे नहीं आज पार्क में बेटा, हाँ है ना। ये बैठने का भी है, ये टिकट का क्या करना है? पूरी थक जाना तो बोल देना मैं थक गई हूँ। तुरंत ही थक गई है मैडम, तुरंत थक गई है। वैशु तुरंत थक गई। देखी देखी तो हम सब बच्चे लोग हैं। मोनू उधर पानी कितना अच्छा है, उधर व्यू गाइस सॉरी काफी बड़ा है यहाँ, बहुत ज्यादा बड़ा है ये पार्क, इको पार्क बहुत ज्यादा ना मोनू, कुछ ज्यादा ही क्या बोलते है। कितना लैंड में है देख के एशिया का लार्जेस्ट है, एशिया का लार्जेस्ट पार्क है ये गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है सीरियसली, काफ़ी अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। ये फ्लावर देखिए गाइस कितना ब्यूटीफुल है, वाओ इट्स सो प्रिटी ना, वाओ। भैया जा रहे हैं अपनी बेबी को लेके रायशु को, और मैं यहाँ पीछे पीछे। जाएंगे ना वो जायशु, ये कर दो ये जा रहे हैं। ये गेट नंबर 1A4 पे जाना है जहाँ मतलब वो सब होगा, रेप्लिका एफिल टावर वगैरह का। पर इससे लोग से पर ये पता है साइकिलिंग करने बोलेगा ना यहीं। हाँ टू से हम लोग पूछ रहे हैं कि गेट नंबर 2 से जाना होगा जहाँ पे है रेप्लिका वगैरह उसका, एफिल टावर है ना, और पता नहीं किसी किसी चीज़ का है, पिरामिड का भी आई गेस है। मोनू आज वेदर कैसा है? काफी अच्छा है वेदर है ना, और धूप भी हल्की सी अच्छी अच्छा लग रहा है, और हल्की हल्की हवा भी चल रही है, और बोटिंग कितना अच्छा है, पर डर लग रहा है बाबू के साथ जाने में। नहीं मोनू फिर भी मजा आता बोटिंग में लेके।
यहाँ बोट वगैरह भी चल रहा है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, सीरियसली बहुत मजा आ रहा है इको पार्क में। रशु कैसा लग रहा बेटा, बताओ सबको, अच्छा लग रहा बेटा? ये कार में आके ये हो गई है, थोड़ी लेजी टाइप की हो गई है, सुस्त है तो कितना चलना पड़ेगा देखिए। भैया अच्छा मतलब पिकनिक स्पॉट है, हम लोग आके मतलब खाने यहाँ अलाउड है बोलो बाहर का, हाँ जैसे हम लोग पिकनिक वगैरह बना सकते हैं, तो जैसे ना बना नहीं सकती है, रेडी ला दो ड्राइवर से बना के लाए खाना वाना, और यहाँ पे पिकनिक स्पॉट मैट वगैरह जो भी अपना यहाँ पे अच्छा खासा ग्रास है वहाँ पे बिछा के हम लोग कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं व्यू भी। हम लोग बचपन में जू वगैरह जाते थे यहीं कोलकाता ही में मम्मी लोग के साथ, तो ऐसे ही मम्मी लोग पकौड़े चने ये सब सैंडविचेस बना के हम लोग जाते थे निको पार्क में भी, उस टाइम तो अलाउड था वहाँ भी खाना, अब पता नहीं निको पार्क में है कि नहीं, बट यहाँ है मोनू बोल रहे अलाउड खाना लेके आओ लेके। हाँ देखिए यहाँ पे सब पिकनिक स्पॉट है, लोग खा पी रहे लोग कर रहे, देख लो पेंट वेंट हो रहा है, बर्गर वगैरह चिप्स है ले लीजिए, बिक रहा है राइस बेच रहे हैं, इधर देखो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे है चिकन कबाब रोल वगैरह सब कुछ। तुम्हारे चिप्स ले रहे बेटा, तुम्हारे चिप्स ले दे रहे बेटा, समझी चिप्स तुम्हारे ले दिया। हम लोग ने ये चिप्स लिया है नॉर्मल सा, यहाँ बैठ के हम लोग जाना जा रहे हैं अब गेट नंबर 4 में, वहीं पे सब कुछ है। हम लोग जा रहे हैं गेट नंबर 4 की तरफ, काफ़ी दूर है, बट वो जो टुक टुक वगैरह पता नहीं कोई गाड़ी था उससे जा सकते थे, बट बहुत अभी टिकट काउंटर में बहुत भीड़ है और बोला गया कि आधा घंटा लगेगा, हम लोग पैदल ही निकल गए गाइस, बहुत बड़ा है इसलिए मुश्किल हो रहा है जाने में, बट क्या करें ना, अभी चिप्स लिया है वगैरह बन रहा है। वैनिला है, वैनिला खा लेते हैं, वैनिला वो भी नहीं है, चॉकलेट चॉकलेट टू इन वन, टू इन वन तो खाती है, टू इन वन में कौन सा फ्लेवर है, टू इन वन वाइट एंड ये, टू इन वन आपका वैनिला है और वो, हाँ, वो दीजिए ना आइसक्रीम, एक भी आइसक्रीम ले लिए, आइसक्रीम तुम्हारा है अभी खिला देंगे रुक जाओ, ये कोल्ड ड्रिंक से अच्छा सेम रुके हैं, बहुत दूर है अंदर है जहाँ जाना है गेट नंबर 4, तो यहाँ पे थोड़ा बंद करिए, स्नैक्स खा रहे हैं, स्नैक्स वगैरह बोल रहे हैं। हम लोग चला चला के थका चुके हैं, बहुत हालत ख़राब हो चुकी मेरी तो हो गई है, इतना थक गए चलते ही चलते, मैं थक चुकी हूँ मैं। ये ट्रेन वगैरह देखिए आ रहा है उधर से, इससे भी आ जा सकते थे बट पता नहीं, मैं भी मोनू उसमें भी बोल लेते मोनू कि ये है वो है, पता नहीं क्या ही कर सकते, अब पता नहीं कितना दूर है गाइस, सीरियसली थक चुकी हूँ मैं। गाइस अब आगे हैं, लगता है इसी के अंदर है जहाँ हम लोग को जाना था, थक गए गाइस, मोनू थका दिए कुछ ज़्यादा ही, क्या ही बोले। और आगे चले जा रहे, रुक भी नहीं रहे, देखिए गाइस इनको इतनी बदमाशी कर रहे, रुक तक नहीं रहे, साथ में चलना चाहिए
रुकेंगे नहीं, वो सब बंद हो जाएगा, फिर क्या करोगे तो काहे आए हैं फिर। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं, काफ़ी ज़्यादा चल के थक गए हम लोग हैं, थक के चूर हो चुके हैं, क्या बोल सकते हैं। अब आ रहा, आपको दिखाती हूँ धीरे धीरे। अभी ताजमहल दिख रहा है दूर से, जो भी रिप्लिका है, जो भी वर्ल्ड का फेमस फेमस मॉन्यूमेंट्स है उसका यहाँ इको पार्क में रेप्लिका बनाया है उन्होंने। और बाबू भी बेचारे बहुत थक गई है, गोदी में रही बट थक गई वो। सो फाइनली पहुँचे गाइस, बट इसके लिए पता है ट्रेन वगैरह करना ही चाहिए था, बट मोनू तो मोनू है, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, किसी का नहीं सुनने वाले। इधर होगा, इधर भी लाइन है, मोनू गए हैं इधर लेने, बहुत लाइन है, क्यू बहुत ज़्यादा। थक गई बेटा, बेटा थक गई। लाइन यहाँ है इनकाउंटर में, यही है। हम लोग जा रहे हैं अंदर, भूखा भूखा जाएगा, तुम्हारा फ्रेंड वेट कर रहा है। अरे जादू कहाँ गए? गाइस देख लीजिए ये पिरामिड है इधर, फोटो उधर ताजमहल में लेंगे, यही सब मेन है यहाँ का। गाइस देखिए इको पार्क का ये पिरामिड हुआ, दिस इज ताजमहल, ताजमहल। और ये क्या था, इटली का कुछ है, टावर ऑफ पीस, टावर ऑफ पिसा क्या बोलते पता नहीं, ये वाला, ये ताजमहल, ये तो इजिप्ट का फेमस पिरामिड। क्या लग रहा है, सेवन रेप्लिका, सेवन वंडर्स का जो रेप्लिका है, क्या लग रहा है? क्या अच्छा है। तो यही सब था गाइस, और एफिल टावर नहीं है वो, तो सेवन वंडर्स में नहीं आता, बट कहीं और है बना हुआ, लेकिन इको पार्क में उसकी और गेट पे है वो, भाग रही है। तो यही सब है गाइस, तो क्या आप देख सकते हैं यहाँ आने के लिए हम लोग कितना जद्दोजहद करना पड़ा। हाँ बोलो, क्या बोलो, कितना जद्दोजहद करना पड़ा। और ये ट्रेन नहीं लिए, अरे वहाँ गाइस बोल दिया था मैंने, एक घंटे का टाइम लगने वाला था, तब तक बंद हो जाने का था ये। और एफिल टावर मिल ही नहीं रहा है, तो यही सब है। रुकी मैं आपको दिखाती हूँ, जैसा कि ये ताजमहल है, ये टावर ऑफ पिसा है रोम का, फिर ये पिरामिड है इजिप्ट का बहुत फेमस, और ये आई डोंट नो क्या है, कुछ है। तो यही सब है, सेवन वंडर्स में आता है ये सब। देखिए मोनू ये है, ये वाला क्या है, देखते हैं ये तो। मोनू पकड़ लीजिए, मोनू देख के देख के, मोनू पीछे नहीं रखना, आगे लगा, खोल दी तो लग जाएगा, लगाइए। और बेटा पहना देते हैं, जाइशा मार खा जाओगी भी इधर। नहीं नहीं नहीं, पेट्रा जॉर्डन, ये कुछ पता नहीं, ये भी सेवन वंडर्स में आता है, आई डोंट नो ये कहाँ का। गाइस हम लोग एक ढाबा आ गए हैं, रंगदे बसंती ढाबा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ हमने पनीर और बटर नान, और ये बहुत अच्छा था, सोडा का कुछ था ड्रिंक वो ऑर्डर किया, ऑरेंज सोडा था, बहुत यमी खाना था, पूरा ढाबा स्टाइल का गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। आइसक्रीम भी हम लोग ने ऑर्डर किया था, जो कि ठीक ठाक था, ये अलग ही टाइप का आइसक्रीम था बिस्किट्स वगैरह के साथ। जाइशु को बस अब ये खाना है जो सौंफ होता है, वही उसे बस चाहिए।
हाँ, बाहर कुल्लड़ वाली चाय मिलती थी तो हमने वो भी लिया गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं काफी अच्छा लग रहा था और पीने में भी काफी अच्छा था। तो गाइस हमारा खाना पीना सब कुछ हो गया ना लेशो, क्या खाए बेटा? तुमने पकौड़े है? पनीर पकौड़े कुछ भी बोल रहे। तो गाइस अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो फैमिली का तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं खाई हूँ रोटी सब्जी और पनीर। वेरी गुड, चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब बोलिए गाइस। बोलिए बोलिए। अबे ये पान खा रहे हैं, हम लोग पान खा रहे हैं लास्ट में, चाय भी हम लोग पी। हाँ गाइस बोलो, कॉमेडी मत करिए, बोलिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ गाइस लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर। जैसे तुम बोल दो लाइक शेयर सब्सक्राइब। जैसे यहाँ बोल दो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।